उस भोरे को दूर भगा देती है, भोरे को दूर हटा देती है। सारा दोष जो है वो दोष श्री ललिता जी को भी दिया जा रहा है कि तू श्री राधिका के मान को बढ़ाती है और श्री प्रिया उस समय कहीं कुटुमित भाव को धारण करते हुए श्याम सुंदर को दूर सरका देती है। तो मेध्योप माधुकया मधुपो यदेश ऐसा मधुपा, ये भोरा मेध्य माने परम पवित्र होने पर भी माधविकया माधवी लता के ऊपर जब आता है तो उस माधवी लता के द्वारा क्षिप्त स्वयं प्रचलता नव पल्लवेनो, नए पल्लव के द्वारा वो माधवी लता इस भोरे को क्षिप्त मन दूर सरका देती है। नेति नेति वचन कह करके श्री प्रिया उस समय श्याम सुंदर से बामता धारण करके विराजमान होती है और मान के द्वारा श्याम सुंदर को दूर भगा देती है। तस्या खलु क्षति हम, हाय ये माधवी लता ये समझ नहीं रही है कैसी भोली है कि ये अभी तो समझ रही है लो मैंने श्याम सुंदर को दूर भगा दिया, परंतु भगाने में नुकसान किसका हो रहा है, इस माधवी लता का ही नुकसान हो रहा है। तस्या खलु क्षति हम, उस माधवी लता की ही क्षति हो रही है कि सुषमा क्षयणो, कि जब उसकी सुषमा क्षय हो जाएगी शोभा क्षय हो जाएगी तब क्या होगा, भोरे का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि नंदत्यंत बिरवन अरविंद निशु, वो भोरा कमलनी के ऊपर विलास करते हुए वो तो विराजमान होगा, वो तो आनंद करेगा, उसका कोई नुकसान होगा, तू ही टपटपाती हुई रह जाएगी। अरे ही जो माधविका है तू भी ये सुषमा क्षय सुषमा का क्षय होने पर तू ही टपटपाती हुई देखती हुई रह जाएगी। ये श्री कृष्ण दूति वृंदा का ललिता के माध्यम से श्री राधिका को उपदेश है, ललिता और राधिका दोनों को उपदेश है कि अब ज्यादा मान को बढ़ाओ मत। सखी जब एकदम घबरा जाती है, प्रिया लाल इन दोनों को मनाते मनाते वो कहे कि इनके बीच कौन पड़े हो चौगान की गेंद भाई, कभी इनके पास में जाती हूं कभी इनके पास में जाती हूं, घरी घरी रूस वो मनावत प्रहर जात, तुम तो एक एक घड़ी में रूस जाते हो और मुश्किल आती है हम सखियों की, तुमको मनाने में एक एक को मनाने में प्रहर व्यतीत हो जाता है, इसलिए अब मांग करने की जरूरत नहीं है, अब इस मांग का त्याग करो। यहां पर वो ही भाव धारण करके सखी जैसे कृष्ण की सखी आज श्री कृष्ण वृंदा है, कृष्ण की सखी वे वृंदा इस पत्रिका के माध्यम से श्री ललिता के माध्यम से श्री राधिका को उपदेश देना चाहती है कि अरे माधवी लता तूने उस भोरे को बार बार अपने हाथ से दूर तो कर दिया ठीक है, परंतु इस यौवन का ज्यादा ऐंठ मत कर, ये यौवन अंजल को पानी, रसकों ने वर्णन किया श्री स्वामी जी के कई पद है हरदास जी के, ये जो यौवन है ये अंजलि का पानी है। कोई राधिका श्री ब्रजलीला का किशोरी जी का जो सौंदर्य है वो कोई ऐसा थोड़ी है, परंतु लोकवत लीला, ये लोकवत लीला में वचन है कि ये जो यौवन है ये अंजलि का पानी है, ज्यादा ऐठ मत दिखा अपने सौंदर्य की, ये यौवन ये सौंदर्य समा किसी का नहीं रहा है, ऐसा कहकर के संसार की असारता दिखाते हुए जैसे मांग त्याग करने का कि अरे प्यारे का सम्मान करते हुए विराजमान हो, ये सम्मान करने का उद्देश्य देती हुई श्री विराजमान हो रही है। तो वो कह रही है कि सुषमा क्षयण, जब सुषमा क्षय हो जाएगी तब नुकसान तेरा ही होगा कि तू प्यारे को तो अभी भोरे को तो अभी दूर हटा रही है, भोरे का कोई नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि वो भोरा नंदती अयम तो बिरवन, बिरवन माने आवाज करते हुए ये तो आनंद प्राप्त करेगा, कहां बोले अरविंद निशु कमलियों के ऊपर ये आनंद प्राप्त करता रहेगा, इससे ज्यादा ऐठ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अन्योक्ति अलंकार में श्री वृंदा जी उस समय श्री राधा रानी से मान त्याग करने के लिए प्रार्थना की, और इस संदेश को सुनकर के श्री ललिता जी अब एकदम शांत हो गई, और ललिता जो टेढ़ी हो रही थी वो
उन्हें टेढ़ापन समाप्त कर दिया और अब अनुकूल होकर के जो ललता मान को हवा दे रही थी वे ही अब प्रिया जी से प्रार्थना करके श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर से मिलाने के लिए उत्सुक होंगी और प्रेरणा प्रदान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की लालनी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की चिंताय गौर हरि हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। Thank you.